माननीय श्री जावेद अली खान कंसर्न ओवर डिप्राइविंग माइनॉरिटीज फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रांट अवेलेबल फॉर द मैरिज ऑफ डॉटर्स ऑफ पुअर पीपल बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। धन्यवाद उपसभापति जी। संविधान के अनुसार भारत एक कल्याणकारी राज्य है और संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कल्याणकारी राज्य से हमारा आशय ये है कि गरीब लोगों के लिए, ख़ास तौर से दलितों और पिछड़ों के लिए राज्य उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य करेगा। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से हमारा आशय ये है कि धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति या किसी समुदाय के साथ कोई भेदभाव या पक्षपात भारत के अंदर नहीं किया जाएगा। मेरे हाथ में एक बैठक की सूचना का परिपत्र है जो जिला अधिकारी संभल से मुझे प्राप्त हुआ था। एक बैठक थी सर, और वो बैठक थी अन्य पिछड़े वर्गों की निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजना की समीक्षा और स्वीकृति। उस बैठक के परिपत्र का जो मजमून है उसकी पहली लाइन में आपके सामने पढ़ रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग, अब ब्रैकेट शुरू होता है, आप ये डॉक्यूमेंट रखेंगे यहां, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग छोड़कर के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के अनुदान योजना के अंतर्गत फला फला तारीख को बैठक है और आप इसमें आमंत्रित हैं। माननीय जावेद जी, ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ दे दें। मैं दूंगा, मैंने मंत्री जी को पहले ही दे रखा है, बैठे हैं मंत्री जी, उनके पास है डॉक्यूमेंट। सर, प्रश्न ये है कि अन्य पिछड़े वर्गों की एक सूची मंडल आयोग ने और विभिन्न राज्य सरकारों ने अपनी तैयार की हुई है। अन्य पिछड़ा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसके अंदर धर्म के नाम पर सिलेक्शन नहीं होता। उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, लेकिन किसी योजना को कार्यान्वयन करते वक्त उससे मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को छोड़ करके परिपत्र जारी करना, मुझे लगता है ये पक्षपात है, ये द्वेष की भावना से किया जा रहा है। सर, मैंने क्या किया, इस बैठक का बहिष्कार किया और मैंने उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री को तुरंत फोन किया, वो राज्यसभा में रहे हैं नरेंद्र कश्यप साहब, उन्होंने जो मुझे जवाब दिया वो मित्रवत मेरे संबंध हैं उनसे, मैं आपको चैम्बर में आकर के बता सकता हूँ, यहाँ नहीं बता सकता। उसके बाद मैं दिल्ली आया तो मैंने माननीय समाज अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी से संपर्क किया, उनको ये परिपत्र दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ किया, इनके सचिव का फोन मेरे पास गया कि क्या मसला है। मैंने पूरा मसला बताया कि इस प्रकार से ये स्थिति है। सर, मैं ये चाहता हूं कि इस तरीके की योजना में अल्पसंख्यकों को शामिल किया जाए। परिपत्र और मंत्री